गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव और आज नए सेक्शन के साथ जो कॉमन एरर का सेक्शन है उसके साथ में प्रेजेंट रहा हूं। अभी तक आपने 45 क्वेश्चंस जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थे वो आपने पार्ट फोर तक में आपने तैयार कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं आज से कॉमन एरर का सेक्शन और ये भी कॉमन एरर जो सेक्शन होगा वो वर्ब के कॉन्सेप्ट पहले पर ही होगा जिस पर अभी तक आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। और विश्वास करें इस सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चले क्योंकि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है तो आपकी पूरी प्रिपरेशन होती जाएगी और चूंकि मैं वही क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं इसका फायदा है। ठीक है, देखिए ये सेक्शन है आपका नेक्स्ट कॉमन एरर्स का बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी ये भी वर्ब के कॉन्सेप्ट पर ही है और पार्ट फाइव है। पार्ट फोर तक आपने पढ़ लिया, ये 46 से 70 तक यानी कॉमन एरर्स के 25 वो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो अब तक आपके एग्जाम्स में दिए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज देख लें आप, हम कॉमन एरर के सेक्शन पे आए उससे पहले मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हैं जो आगे भी आपके काम आएंगे, जो आप पढ़ेंगे भी तैयार करेंगे और एग्जाम्स में भी काम आएंगे। तो पहला वर्ड हमारा है ग्रिट। ग्रिट मीन्स होता है डिटर्मिनेशन, यानी जो आपकी दृढ़ संकल्प की शक्ति होती है, आपका रिजोल्यूशन होता है, वो डिटर्मिनेशन होता है, उसे ग्रिट कहते हैं। एक और ग्रिट होता है जो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन होते हैं, जब सड़क वगैरह बनाई जाती है उसमें छोटी छोटी जो पत्थर के टुकड़े होते हैं या स्टोन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ग्रिट होते हैं। इसी पर एक इडियम बन गया ग्रिट वंस टीथ। ग्रिट वंस टीथ दो होता है, एक जब आप बहुत अधिक क्रोधित हो जाए और उस क्रोध में आप अपने अपर और लोअर टीथ को क्या करें, भींचे, मीन्स अपना क्रोध प्रदर्शित करें। और एक ग्रिट वंस टीथ क्या होता है, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने डिटर्मिनेशन को, अपने रेजोल्यूशन को बनाए रखें, इवन देन यू ग्रिट योर टीथ, मतलब टीथ यानी ग्रिट वंस टीथ या ग्रिट योर टीथ मीन्स कठिन परिस्थिति में भी अपने दृढ़ संकल्प को क्या रखना, बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड्स आपके हैं ले से मैंने दिए, ठीक है, ले एंड एग। ले एंड एग क्या होता है, टू फेल कंप्लीटली इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यानी आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से क्या हो जाना, फेल हो जाना, ले एंड एग। वैसे जो चिड़िया अंडे सेते है उसे भी आप ले एंड एग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ले और टेबल। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को खाना वगैरह देने जा रहे हैं तो टेबल पे जब आप खाना लगाते हैं तो यू आर लेइंग योर टेबल, यानी ले और टेबल में खाना वगैरह परोसना अर्थात उसे लगाना। एक और है आपका ले और घोष्ट। ले और घोष्ट क्या होते हैं, कोई चीज आपके दिमाग में एक डर के रूप में, घोष्ट के रूप में आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आप उसे हमेशा के लिए क्या कर दें, भुला दें और आगे का काम करें, यू आर लेइंग और या लेइंग द घोष्ट। ये मैंने नॉर्मल लिया, आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, फाइंड समथिंग आउट अगर करते हैं तो आपको किसी चीज का पता चलता है। ठीक है, फाइंड समथिंग आउट या फाइंड आउट मीन्स किसी चीज का पता चलना, जैसे कोई जानकारी वगैरह है आपको पता चलती है, यू फाइंड आउट इट या यू फाइंड इट आउट। लेकिन अगर फाइंड समवन आउट करते हैं तो ये डिफरेंट हो जाता है, डिटेक्ट अ पर्सन्स इमोरल और ऑफेंस एक्शन, यानी आप किसी के गलत को जान जाते हैं कि वह व्यक्ति जो है इमोरल है, उसके एक्शंस जो है गलत है, देन यू फाइंड हिम आर हर आउट। ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको अभी 1 से 25 तक में काम आएंगे। ये मैंने सोचा इसलिए सोचा क्योंकि बहुत सारे जो मॉडरेट लेवल पे बच्चे होते हैं वो वर्ड्स न जानने कारण, उनके बारे में न जानने कारण वाक्य को समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने पहले ही ये 15 जो अच्छे वर्ड्स उसमें और कठिन थे एक तरह से मॉडरेट लेवल पे वो मैंने यहां दे दिए। मैं सारे आपको बता दे रहा हूं ताकि आगे समझने में आपकी मुश्किल ना हो। हीनस क्राइम क्या होता है, जब कोई अट्रोसियस या फ्लैजिस एक्ट होता है, मीन्स जघन्य अपराध होता है, तो वो आपका
हीनश क्राइम, जो बच्चे चाहे हिंदी में बाद में पॉज करके लिख लीजिएगा। हीनश क्राइम मीन्स जघन्य अपराध। सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइव करने का कार्य, यानी बने रहना, अस्तित्व में बने रहने के जो कार्य होते हैं वो आपका सर्वाइवल होता है। अंडर नरिश्ड कौन होता है? पहले नरिश्ड कौन होता है? नरिश्ड जो पोषित हो, तो अंडर नरिश्ड जो कुपोषित हो, यानी जिसका पोषण अच्छे से ना हुआ हो वह अंडर नरिश्ड होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। बहुत सारी माएं कुपोषण की शिकार होती हैं, वो माएं अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, सर्कमस्टांसेस में परिस्थितियां होती हैं। तो प्रीवेलिंग क्या होते हैं? प्रचलित या विद्यमान। तो प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस विद्यमान परिस्थितियां, यानी आज की जो परिस्थितियां हैं वो प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस है। डिस्ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा करना, तो डिस्ट्रस्ट भरोसा न करना, बिलीफ न करना। आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी को कहते हैं, ठीक है। आर्चर कौन होता है? जो तीरंदाज होता है, तो आर्चरी कौन क्या होता है? तीरंदाजी। हैंडीकैप दो होता है, एक नाउन के रूप में हैंडीकैप मीन्स होता है अपंगता, होता है ना, जो अपंगता होती, विकलांगता होती है वो हैंडीकैप है। और एक वर्ब के रूप में हैंडीकैप क्या होता है? किसी के कार्य में अवरोध उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। इसी हैंडीकैप को आप थर्ड फॉर्म के रूप में बना ले, हैंडीकैप्ड, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। हैंडीकैप्ड मीन्स जो विकलांग या भी दिव्यांग होते हैं वो हैंडीकैप्ड होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? नाउन के रूप में आपका जो गुण होता है, जो आपकी क्वालिटी होती है, वो एट्रीब्यूट है आपका। लेकिन वर्ब के रूप में एट्रीब्यूट क्या होते हैं? किसी चीज में आरोपित करना, अर्थात उसमें वो चीज जोड़ देना। और अगर इसे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करें, एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूटेड टू मीन्स होता है किसी को किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, जैसे ही वॉज एट्रीब्यूटेड टू दिस क्राइम, तो उसे इस क्राइम का क्या ठहराया गया? जिम्मेदार ठहराया गया। बी इन स्टेट क्या होता है? स्टेट मीन्स फूल जा, तो यहां एक तरह का जो अर्थ है, जब नदी वगैरह में बाढ़ आ जाती है तो द रिवर इज इन स्टेट, यानी नदी क्या है? नदी में बाढ़ आई हुई है। जैसे आप कहते हैं कोई आवेश से फूल जाए, भर जाए, तो ही इज इन अ स्टेट, वैसे द रिवर इज इन स्टेट मीन्स नदी में बाढ़ आई हुई है, फ्लड आई हुई है, ठीक है। परसिक्यूट क्या होता है? परसिक्यूट होता है जब आप किसी को धर्म या उसकी जाति के आधार पर, यानी उसके रिलीजन क्रीडो या उसकी कास्ट के आधार पे किसी को आप टॉर्चर करते हैं, टॉर्मेंट करते हैं, मीन्स उसे सताते हैं, तो आप उसे परसिक्यूट करते हैं। ध्यान रखिएगा, परसिक्यूट मीन्स सताना होता है, और प्रोसिक्यूट मीन्स किसी पर मुकदमा चलाना, PROSECUTE, प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाना। इन्फ्लेशन आप जानते होंगे, देश की परिस्थिति के रूप में जो फाइनेंशियल हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें ये होता है। इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रा स्फीति, मुद्रा प्रसार, और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन मुद्रा की कमी। इंटेंटली इंटेंड से बना है, इंटेंड मीन्स इरादा करना होता है, इंटेंट मीन्स इरादा होता है, इंटेंशन मीन्स नाउन के रूप में इरादा होता है, और इंटेंटली इरादा पूर्वक, यानी किसी प्रयोजन के साथ, किसी आशय के साथ, किसी लक्ष्य के साथ अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसे इंटेंटली करते हैं। ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? जो लोग किसी के रियल प्रॉपर्टी में या किसी के लैंड में वो अनलॉफुली, यानी बिना किसी सही तरीके के प्रवेश करते हैं, उन्हें ट्रेसपासर्स कहते हैं, अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले। डिक्लाइन नाउन के रूप में क्या होता है? पतन या गिरावट होता है, जब कोई पतन होता है तो वह डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। डिक्लाइन वर्ब भी होता है, डिक्लाइन मीन्स पतन की तरफ जाना, और एक और होता है जैसे कोई आपको टी का, यानी किसी चाय का ऑफर कर रहा है कि आप एक चाय पी लें, लेकिन आप उसके ऑफर के प्रति अनिच्छा जाहिर कर दें, अस्वीकार कर दें, तो आप उसे क्या करते हैं? डिक्लाइन करते हैं। और लास्ट वर्ड है आपका साइन पोस्ट। साइन पोस्ट क्या होता है? आप रास्ते पे जा रहे होते हैं तो एक साइन पोस्ट लगा होता है, मार्ग सूचक स्तंभ लगा होता है, जिससे आपको आगे के बारे में पता चलता है, तो दैट इज साइन पोस्ट।
So I believe these are 15 words you must prepare. हीनश प्राइम, सर्वाइवल, ये सारे वर्ड्स आप देख लीजिएगा, आगे भी काम आएंगे और आगे कंप्लीशंस में भी आपके काम आएंगे. ठीक है, चलिए अब बारी हमारी है सीधे कॉमन एरर्स की. ये आपका आ गया, देखें, डिस्ट्रस्ट सीम्स टू बी अ फैक्टर बॉर्न आउट ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस नॉलेज. मैंने कहा ये सारी वर्ड्स अभी मैंने आपको समझाए, इन 25 कॉमन एरर्स में आपको मिलेंगे तो आपका फायदा हो जाए. जैसे आपने प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस देखा तो वर्तमान परिस्थितियां, विद्यमान परिस्थितियां या प्रचलित परिस्थितियां. तो डिस्ट्रस्ट सीम्स टू बी अ फैक्टर, यानी जो अविश्वास है सीम्स टू बी अ फैक्टर, वो एक ऐसा फैक्टर प्रतीत होता है बॉर्न आउट ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जिस फैक्टर का जन्म हुआ हो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के कारण, यानी किसकी वजह से, प्रचलित यानी वर्तमान परिस्थितियों का, यानी वर्तमान परिस्थितियों से ही उत्पन्न हुआ है वो फैक्टर, जो फैक्टर क्या है आपका, डिस्ट्रस्ट है. यानी डिस्ट्रस्ट वर्तमान परिस्थितियों से उत्पन्न फैक्टर है. क्या गलत हो सकता है, मैं फिर कहूंगा ये सारे क्वेश्चंस और इसके पहले जितने भी आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस किए हैं, ये सब एक तरीके के, यानी ये सारे वर्ब के कॉन्सेप्ट पे हैं. तो आपका जबरदस्त फायदा होगा क्योंकि पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर होगा कॉमन एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में और आगे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में. ठीक है, समझ में आया यहां क्या गलत हो सकता है, समझ रहे होंगे आप. यहां ये जो बॉर्न आउट है इसकी स्पेलिंग देखें, जब उत्पन्न होने का सेंस है, जन्म लेने का सेंस है, तो क्या बॉर्न की ये स्पेलिंग होगी आपकी, ये होगी, समझ आ रहा है आपको, नहीं, कौन सी स्पेलिंग होगी आपकी, ये स्पेलिंग होगी, यही ना बॉर्न. तो यहां जो बॉर्न है, ये बॉर्न, ये दो बियर मैंने आपको पढ़ाया था, बियर और बियर, एक बियर मीन्स होता है जन्म देना और एक बियर मीन्स होता है सहन करना. यहां सहन करने वाला भाव नहीं है, तो जो सहन करना होता है उसकी थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग ये होती है और जो जन्म देना होता है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती, ये. तो जहां पे ये बॉर्न है वो बॉर्न नहीं होगा, ये बॉर्न होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आपका दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ये फॉर सच अ हीनश क्राइम ही शुड बी हंग. फॉर सच अ हीनश क्राइम, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हमेशा क्या लें, ए, सच के साथ. ठीक है, तो फॉर सच अ हीनश क्राइम, इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए, इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए ही शुड बी हंग. देखिए शुड बी है ना, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके होनी चाहिए ना, तो ही शुड बी हंग. क्या गलत है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आपको दिए जाते हैं और आगे दिए जाएंगे. समझ रहे होंगे बच्चों आप कि ये जो हंग है ये कहां से उत्पन्न हुआ, यहां से, हैंग से. ठीक है, हैंग दो होता है, एक आपको याद हो जिसके मींस लटकाना, जैसे कोई तस्वीर वगैरह आप लटकाते हैं, कोई कपड़े वगैरह टांगते हैं, वो हैंग होता है. और एक हैंग क्या होता है, फांसी पे लटकाना. तो अगर कपड़े लटकाने की बात होती है उस हैंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग और हंग होती है, और जब फांसी पर लटकाने की बात होती है तो उसकी थर्ड फॉर्म हैंग्ड और हैंग्ड होती है. तो इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए ही शुड बी हंग, उसे फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए, शुड बी प्लस वर्ब की तरफ, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, तो ये हंग नहीं होगा, कौन सा हंग होगा, ये होगा हैंग्ड, फांसी पे लटकाना, तो हो जाएगा ही शुड बी हैंग्ड हो जाएगा. क्लियर होंगे, ओके. ये आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने है.
द न्यू टैक्सेशन रेट्स, जो नई नए टैक्सेशन रेट, टैक्स लेने के जो रेट्स हैं, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये यहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है ना कि मेन वर्ब के रूप में. द न्यू टैक्सेशन रेट्स, टैक्सेशन रेट्स तो अनाउंस नहीं करेंगे ना, टैक्सेशन रेट्स को अनाउंस किया जाएगा, यानी उसी का थर्ड फॉर्म है. द न्यू टैक्सेशन रेट्स, नए जो टैक्सेशन रेट्स हैं, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं, घोषित किए गए, यानी सरकार के द्वारा घोषित किए गए नए टैक्सेशन रेट्स आर. ध्यान रखिएगा, यहां भी गलत दिया जा सकता आपको, आर है ना यहां पे, यहां पे हो सकता आपको क्या दे दिया जाए, इज. तो आप जानते हैं हमारा सब्जेक्ट है द न्यू टैक्सेशन रेट्स, प्लूरल काउंटेबल है तो यहां आर ही होगा, इज नहीं होगा. तो द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर जो आपका निर्यात का सेक्टर है, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रभावित करने के लिए बाध्य है गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड नए टैक्सेशन रेट्स. समझ रहे होंगे आप क्या गलत है यहां पे. देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको इस समझ में आता जाएगा, हां यहां पे ये गलत हो सकता है. ये कब होगा, इफ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें या इस तरीके के आप वीडियोस देखें, कहीं से भी आपको मिले बच्चों, ठीक है, जरूरी नहीं आप मेरे से ही, कहीं से भी जहां आपको लगे कि आप समझ पा रहे वहां से, क्योंकि मेन चीज नहीं है कि आप किससे पढ़ रहे हैं, मेन चीज आप पढ़ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसका फायदा ले सकते हैं आप. तो द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा घोषित जो नए टैक्सेशन रेट्स हैं, आर बाउंड, वो यानी बाउंड टू इफेक्ट, निश्चित ही वो प्रभाव डालेंगे द एक्सपोर्ट सेक्टर, किस पर, निर्यात क्षेत्र पर, ठीक है. तो यहां जो इफेक्ट है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट, इफेक्ट नाउन होता है, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव. अगर इसी इफेक्ट में आप क्या जोड़ दें, इसी इफेक्ट में आप एस जोड़ दें, तो इफेक्ट मीन्स पूंजी हो जाती है, ठीक है. आपको यहां क्या चाहिए, टू के बाद नाउन नहीं चाहिए, टू के बाद वर्ब चाहिए, प्रभाव डालना. तो जब आप किसी चीज पर प्रभाव डालने की बात करते हैं तो इफेक्ट नहीं, क्या होता है, अफेक्ट होता है. अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना. जब भी किसी चीज पर नॉर्मली नेगेटिव सेंस में प्रभाव डालते हैं तो वो अफेक्ट होता है. अफेक्ट से ही अफेक्टेशन बना, अफेक्टेशन मीन्स दिखावा होता है, ठीक है. तो द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट, टू के बाद वर्ब चाहिए, ये वर्ब नहीं ये नाउन है, इसलिए इस इफेक्ट के स्थान पे अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. चल आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल. एज वेल मीन्स भी होता है, जब किसी वाक्य के अंत में एज वेल आता है तो भी लगाए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसका यूज करते हैं. जैसे कहें वह गाना भी गाता है तो ही सिंग्स एज वेल, या ही सिंग्स अ सॉन्ग एज वेल. वह आता भी है, ही कम्स एज वेल. अगर यही नेगेटिव होता है वहां पे आप इधर या नीदर का स्थिति अनुसार प्रयोग करते हैं, नेगेटिव में एज वेल का प्रयोग नहीं करते हैं. तो द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क, यानी मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया एंड सेड, और कहा वेदर, कि क्या ही वाज इन द हैबिट, कि क्या उसकी आदत है ऑफ स्लीपिंग, सोने की, एट होम, घर पर भी, यानी क्या घर पर भी सोने की उसकी आदत है. ऐसा मैनेजर ने क्लर्क को बुला करके कहा. क्या गलत लग रहा है, सोच के देखें और बताएं मुझे क्या गलत हो सकता है, सोचिएगा. समझ में आ रहा है आपको, यहां देखिए क्या गलत. द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया एंड सेड, और कहा. क्या आपको लगता है कि उसने क्लर्क से कहा कि क्या वह अपने घर पर भी सोता है या सोने की आदत है उसकी, नहीं, उसने उस क्लर्क से पूछा. तो अगर उसने क्लर्क से पूछा तो यहां सेड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आश्क्ड होना चाहिए था.
यही होगा ना, सोचे। तो द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड आस्क्ड वेदर, याद होगा अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड नरेशन आपका तैयार हो, पढ़े हो आप, तो यहां सेट नहीं होगा, आस्क्ड होगा। ये वाक्य कैसे रहा होगा, ऐसे द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड, इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। अब यह रहा होगा आर यू इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, आर यू रहा होगा उसी क्वेश्चन ने ही वास से वेदर से जोड़ा, और यहां पे जब आप एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे इंटरोगेटिव को, तो कभी भी किसी भी अवस्था में वो सेट नहीं होगा, जब भी होगा क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए यहां क्वेश्चन उसने पूछा, पूछने के भाव में या शुड नहीं, आस्क्ड। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न हमारे सामने, ठीक है, चलिए देखते हैं। ही थॉट ऑफ अ क्रूयल प्लान, उसने सोचा ऑफ अ क्रूयल प्लान, एक निर्दयी एक कठोर योजना के बारे में, टू टेस्ट हिज स्किल इन आर्चरी, आर्चरी मीन्स याद हो गया आपको तीरंदाजी, यानी उसने एक ऐसी क्रूयल प्लान के बारे में सोचा जिसमें वो उसकी आर्चरी की स्किल को टेस्ट कर सकता। क्या गलत लग रहा आपको, मैं फिर कहूंगा बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है वर्ब से संबंधित है, वर्ब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए अब तक उन्हीं में से मैंने ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। अगर आपने तैयार करेंगे पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर और आगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो बोले क्या गलत है यहां, ही थॉट ऑफ अ क्रूयल प्लान, उसने एक गलत यानी कठोर योजना के बारे में सोचा, टू टेस्ट हिज स्किल इन आर्चरी, कि तीरंदाजी में वह उसकी स्किल को परीक्षा ले सके, उसका टेस्ट ले सके। समझ गए बच्चों, खेल है वर्ग का, कौन सी वर्ग का खेल है, इस वर्ग, समझ में आया। टेस्ट मीन्स होता है किसी चीज का स्वाद लेना, लेकिन यहां स्वाद लेने की बात नहीं है, यहां परीक्षा लेने की बात है। तो इस टेस्ट के स्थान पे आपको इस टेस्ट का प्रयोग करना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन टेस्ट, तो फिर यहां टेस्ट होगा क्योंकि परीक्षा लेने की बात है न कि स्वाद लेने की बात है, इसलिए यहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है आप कर सकते हैं। चलिए छठवां प्रश्न हमारे सामने, हिज हैंडिकैप, ध्यान रखिए बच्चों यहां पे ए पोर्शन में भी एरर हो सकता है, बी में भी एरर हो सकता है, सी में भी और डी में भी, या सारे में भी एरर हो सकता है, आपको देखना है कौन से में एरर है। एरर भी किन में हो सकता है, जो लेटर्स या जो वर्ड्स मैंने बोल्ड किए हैं, हैंडीकैप गलत हो सकता है, एट्रीब्यूटेड गलत हो सकता है, बॉर्न गलत हो सकता है, या अंडर नरिश्ड गलत हो सकता है। चलिए देखते हैं, हिज हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड, यानी उसके हैंडीकैप मैंने बताया था अभी पीछे, विकलांगता अपंगता, उसके अपंगता को कैन बी एट्रीब्यूटेड, कैन बी के बाद मैंने बताया सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सेक्शन में अगर वर्ब है तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म है ना। और ये हैंडीकैप देखें सही है कि नहीं, हैंडीकैप अगर नाउन के रूप में हो, हैंडीकैप अगर आपका नाउन के रूप में हो तो यहां क्या माना जाएगा, सही। क्यों सही माना जाएगा, क्योंकि यहां हिज आपका एक डिटरमिनर यानी वो जैसे केस का एडजेक्टिव यूज किया गया, कि नाउन ही तो है, हैंडीकैप में अपंगता तो सही है। हिज एंड हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड, यानी उसके अपंगता को कैन बी एट्रीब्यूटेड, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है टू द फैक्ट, किस चीज के लिए, इस तथ्य के लिए दैट की ही इज बॉर्न, ही इज बॉर्न, कि उसका जन्म हुआ है बाई एन अंडर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड मदर, अंडर नरिश्ड एक एडजेक्टिव मीन्स कुपोषित और मदर मीन्स मां, तो मदर एक नाउन है, नाउन के पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, तो ये भी सही है। गलत समझ गए होंगे कहां है, गलत यहां है, है ना, फिर से एक तरह से वही रिवीजन, बॉर्न यहां जन्म लेने की बात, और अगर जन्म लेने की बात है तो फिर ये बार नहीं होगा, यहां समझ लेंगे कौन सा बार होगा, ये बार,
ठीक है, समझ गए होंगे आप ये। ऐसे धीरे धीरे आपके सारे जो लाई ले ले वगैरह है, बियर बियर है, जितने भी वर्ड्स है, विद होल्ड है, इश्टिंग है, ये सारे वर्ड्स मैंने पहले के सेक्शंस में दिए हैं। पहले सेक्शन में मैंने शायद दिया था, दूसरे सेक्शन में जरूर उन वर्ड्स को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप बेहतर बनना चाहिएगा सारे पार्ट वाइज ये वीडियोस आप तैयार करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसके हिंदी बता दूं, अगर आप देख लें, हिज हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट, यानी उसकी अपंगता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इस तथ्य को दैट ही इज बॉर्न बाई एंड अंडर नरिश्ड मदर, कि उसका जन्म किससे हुआ है, एक कुपोषित माता से हुआ है, क्योंकि कुपोषित माता से हुआ है इसीलिए वो क्या है, हैंडीकैप्ड है, यानी वो अपंग है, अर्थात उसकी अपंगता की वजह क्या है, उसकी माता का कुपोषित होना। ओके चलिए बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न हमारे सामने है, विद ओनली अ वीक टू गो फॉर द इलेक्शन। ऐसे स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे समझें, With only a week to go या one week to go for the election, यानी इलेक्शन होने में केवल एक ही सप्ताह बचा है, things are really hotting up, इस दौरान चीजें बहुत hotting up means कहीं कहीं जो एक हलचल है वो बढ़ती जा रही है, चीजें बहुत hot हो रही है, means उनमें कहीं कहीं उफान आ रहा है, तो क्या गलत हो सकता है यहां पे? With only a week to go for the election, यानी इलेक्शन बीतने में केवल एक सप्ताह ही बचा है और थिंग्स जो चीजें हैं आर रियली हॉटिंग अप, वो वास्तव में क्या होती जा रही है, बहुत तो हलचल से भरती जा रही है, कोई एरर नहीं हो जान ले, हॉट जी जो हॉटिंग है ये किससे बना है, हॉर्स से बना है, देखें ये इससे बना है, जिस हॉट मीन्स आप गर्म जानते हैं उसी हॉट मीन्स वर्ब के रूप में किसी चीज को बहुत गर्म कर देना, मीन्स एक तरह से हलचल उत्पन्न कर देना, तो हॉटिंग अप यहां हो जाएगा, थिंग्स आर यहां पे है तो आर के बाद या तो थर्ड फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है तो थिंग चीजें ही तो हलचल उत्पन्न कर रही है ना, तो एक्टिव वॉइस में है, थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप, यहां जो आपका सेक्शन होगा वो नो एरर का होगा, अर्थात नो इंप्रूवमेंट, कोई एरर नहीं है। ओके चलिए बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न हमारे सामने, द रिवर इज इन स्टेट, पीछे बोला था मैंने बी इन स्टेट मीन्स बाढ़ आना, तो द रिवर इज इन स्टेट, नदी में क्या आई है, बाढ़ आई है, एंड और इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, जो भी बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्हें देखते ही समझ में आ गया होगा क्या गलत है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है ये सारी चीजें रिविजन हो जाएंगी, और अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं दूसरी बार पढ़ रहे हैं ये चीजें आपको आगे एग्जाम्स में काम करेंगे। तो द रिवर इज इन स्टेट एंड इट हैज ओवरफ्लो, समझते होंगे जिन्होंने पढ़ा था पीछे, ओवरफ्लो नहीं होता है, देखिए ये ओवरफ्लो एग्जाम में क्यों दिया जाता है, इसकी वजह से, फ्लाई की वजह से हमको कहीं कहीं कंफ्यूज किया जाता है, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, लेकिन हम इसी फ्लाई फ्लू फ्लोन में ओवरफ्लोन को सही मान लेते हैं, लेकिन हम जाने ओवरफ्लो जो होता है उसके मीन्स होता है ओवरफ्लो हो जाना, बहना, तो ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लो नहीं होती है, क्या होती है, ओवरफ्लोड होती है, ओवरफ्लोड, यानी ये जो ओवरफ्लोन है वो आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं, आठवां नवा प्रश्न हमारे सामने होगा, नवा प्रश्न आ गया, और समझ रहे होंगे ये वैसा ही प्रश्न है जैसे अभी पीछे आपने किया था, कि हर एक पार्ट में एक वर्ड गलत हो सकता है या सारे गलत हो सकते हैं या कोई एक, ये आपको तय करना है। देखें द कॉम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल लेज इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द कॉम्पिटिटिव एज यानी कहीं कहीं वो एज जो कॉम्पिटिटिव हो फॉर सर्वाइवल, जिससे आप अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हो, लेज वो निहित है इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसमें निहित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव यूज में। पहले देखें जो वर्ड्स हैं वो सही है कि गलत, ये जो कॉम्पिटिटिव है इसके बाद क्या है, एज, एज क्या है, एक नाउन है,
तो नाउन के पहले एडजेक्टिव है, सही, कंप्लीटिव आईवीई से जान ले जो बच्चे पढ़े हो, आईवीई एडजेक्टिव शो करता है। तो द कंप्लीटिव इज सही फॉर सर्वाइवल, फॉर प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा नाउन आएगा तो सर्वाइव में आपने एल जोड़ा, सर्वाइवल नाउन हो गया, ये भी सही है। लेज इन द इफेक्टिव यूज, यूज क्या है आपका नाउन, तो नाउन के पहले फिर से इफेक्टिव है एडजेक्टिव, ये भी सही है। तो गलत कहां है बच्चों, गलत इस लेज में है ना, निहित है इस इफेक्टिव यूज में निहित है। तो याद करें मैंने कहा था ये लाई है और ये ले, लाई की सेकेंड फॉर्म ले होती है और ले का एस एस फॉर्म लेज होता है। तो आपको लाई चाहिए या ले चाहिए, क्या चाहिए आपको मेन वर्क के रूप में, आपको मेन वर्क में ले नहीं चाहिए, आपको लाई चाहिए। तो अगर लाई चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको लेज नहीं लेना होगा, क्या लेना होगा, लाई में एस जोड़ना होगा, तो लेज के स्थान पर क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हो, यहां लेस का जो अर्थ है कि इफेक्टिव यूज में निहित है, निहित होना ले मींस नहीं होता है कि ले में एस जोड़ देंगे आप, लाई मींस होता है स्थित होना, निहित होना, लेट जाना, यही होता है ना। तो फिर लाई मींस अगर होता है तो लाई में क्या जोड़ेंगे आप एस, क्योंकि ऑलरेडी ए है, तो यहां ले के स्थान पर क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा। ठीक है, दसवें प्रश्न में हम आ गए। यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सीड्स ले आने के लिए यू विल बी परसिक्यूटेड, आपको सताया जाएगा, आपको सताया जाएगा। क्या आप किसी गैर कानूनी कार्य अगर करते हैं तो क्या आपको सताया जाएगा या आप पे मुकदमा चलाया जाएगा, क्या चलाया जाएगा, मुकदमा। ये जो परसिक्यूट आपने यूज किया वो नहीं हो, परसिक्यूट मैंने पीछे दिया था, परसिक्यूट में धर्म या जाति के आधार पर सताना, आपको जो वर्ड यूज करना होगा वो क्या होगा, ये प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट क्या होता है, मुकदमा चलाना, तो यहां थर्ड फॉर्म प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, आप पे मुकदमा चलाया जाएगा फॉर ब्रिंगिंग शीट्स इन टू ऑस्ट्रिया, क्योंकि आप एक गैर कानूनी कार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेवेंथ प्रश्न हमारे सामने, कॉफी सीड्स आर ड्राइड, जब भी इज एम आर वाज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आए तो समझ जाए पैसे वैश, कॉफी के जो सीड्स हैं आर ड्राइड, उन्हें क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है, एंड रोस्टेड, उन्हें तल दिया जाता है, बिफोर, इससे पहले कि दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर, इससे पहले कि उन्हें पाउडर ग्रुप में क्या कर दिया जाए, ग्राउंड कर दिया जाए। अब आप ध्यान से देखें और बताएं कि ये ग्राउंड यहां सही है या गलत है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगा ना, दे आर ग्राउंड, तो ग्राउंड होगा या ग्राउंडेड होगा, क्या होगा बच्चों, याद करें क्या सही होगा, ग्राउंड होगा, क्यों, क्योंकि ग्राउंड किस चीज की थर्ड फॉर्म है, ग्राइंड का, ग्राइंड मींस पीसना होता है, यहां पीसने का सेंस है ना, तो ग्राइंड का थर्ड फॉर्म ग्राउंड, यानी यहां भी ये शब्द क्या है आपका वर्ग के रूप में, बिल्कुल सही आपका है, यानी नो एरर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बारहवा प्रश्न हमारे सामने है, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, क्या आपको आगे पढ़ना चाहिए, नहीं, जो जिन भी बच्चों ने मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी इस पे वर्क के कॉन्सेप्ट पे, उन्हें याद हो गया होगा कि कभी भी हम क्या नहीं यूज करें, फोरकास्टेड का यूज ना करें, फोरकास्टेड टेलीकास्टेड ये नहीं होता है, इनकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म्स क्या है, यानी इनकी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म्स क्या होती है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म्स क्या होती है, एक ही होती है, यानी फोरकास्ट प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म, फोरकास्ट
यानी पास्ट सिंपल सेकेंड फॉर्म और फोरकास्ट यानी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, तीनों एक होती है। पैसिव एज है, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, ये जो ईडी है ये नहीं होगा, इट कैन नॉट बी फोरकास्ट होगा, यानी इस चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है हाउ सोसाइटी विल इमर्ज जनरेशन हेंस, कि किस तरीके से आगे की जनरेशन होगी, इमर्ज करेगी, मेरे सामने आएगी। तो यहां पे फोरकास्टेड के बजाय क्या हो जाएगा, फोरकास्ट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, और एक मिनट जो ये कैन यहां से पहले काट दीजिए, क्योंकि यहां कैन है यहां कैन नहीं हुआ। नो कंट्री यानी कोई भी कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है, इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। फिर से इसका अर्थ समझते हैं, नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, इन कोई भी कंट्री बहुत लंबे समय तक इंड्योर नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता है, इफ यदि इट्स फाउंडेशंस, यदि इसकी जो फाउंडेशन इसकी नींव जो है, वर नॉट लेड डीप इन द मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी, यदि इसकी जो जड़े हैं वो मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी मीन्स जो हमारा आर्थिक वो समृद्धि है, भौतिक समृद्धि है, यदि उसकी जड़ों तक वो जुड़ा नहीं है, तो कोई भी देश लंबे समय तक अपने आप को बनाए नहीं रख सकता है। ये वर के कॉन्सेप्ट पे है, समझते हैं। नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, सही है, कैन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, कैन लॉन्ग इंड्योर लंबे समय तक चल सकता है, इफ इट्स फाउंडेशंस वर, अगर आपके मन में आए सर वर क्यों, क्योंकि ये एक काल्पनिक दुनिया की तरफ आपको ले जा रहे हैं, तो इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप, यहां देखें लेड डीप, ये लेड याद है आपको, ले की क्या है थर्ड फॉर्म है बच्चों, ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है लेड, और यहां थर्ड फॉर्म ही लेना वर के साथ वर के थर्ड फॉर्म। अब प्रश्न है लेड आएगा कि नहीं, फिर यहां है निहित होना, स्थित होना, अगर स्थित होने के सेंस में आएगा तो ले ही नहीं आएगा, क्योंकि ले मीन्स स्थित होना नहीं होता, ले मीन्स लिटाना बिछाना, ठीक है, इसका मतलब ये लेड यहां जो है ये गलत है। स्थित होने के सेंस में कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, लाई, तो लाई की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी, तो लाई के थर्ड फॉर्म क्या होती है लेन, इसलिए यहां लेन डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है ये छोटी छोटी जो वर्ब्स हैं आपके बहुत काम आए एग्जाम्स में, रेगुलरली आपको आजमाया जाए, ये सब लाई ले विद होल्ड बहुत सारी वर्ड स्पीड वगैरह, ये सारी वर्ड क्या करें तैयार कर ले, मैंने पहले और दूसरे सेक्शन में मतलब पार्ट में दिया हुआ है। चलिए 14th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कैन आई लिंक योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज, ये रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या गलत लगता है आपको, अगर आपने एक्सरसाइज किया होगा तुरंत आना चाहिए। कैन आई लेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन के साथ सही हाथ होना चाहिए, कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज, क्या एक मिनट के लिए मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूं, क्या एक मिनट के लिए तुम्हारी पेंसिल मैं ले सकता हूं, ले सकता हूं, अगर आपको याद हो क्या लेन मीन्स लेना होता है, क्या ना लेन मीन्स देना होता है, जब आप किसी को उधार देते हैं तो आप लेन करते हैं, तो आप तो मांग रहे हैं ना, उधार ले रहे हैं, एक तरह से मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लेन कैसे आएगा बच्चों, उधार लेने के सेंस में आएगा, याद होगा आपको क्या होगा बारो, ये होगा, तो यहां लेन के स्थान पे क्या हो जाएगा बारो, आप ले रहे हैं न कि दे रहे, देने के सेंस में लेन होता है, लेने के सेंस में बारो होता है। ओके चलिए 15th क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन, वो जो निरीह प्राणी था वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन, उसे एक संकरे गली में ले जाया गया, वेयर जहां इट वॉज स्लेव्ड बाय द किडनैपर, जहां उसके किडनैपर ने उसे मार दिया, द टिमिड क्रिएचर सही है, वॉज ड्रिवन इज एम आर वॉज वर के बाद वर के थर्ड फॉर्म सही, वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन, एक नैरो लेन में उसे ले जाया गया, वेयर इट सही यहां पे है उस टिमिड क्रिएचर के लिए, इट वॉज सही है, वेयर इट वॉज स्लेव्ड, ध्यान से वर्ड्स को देखें बच्चों,
श्लिंग, ठीक है। याद होगा ये भी मैंने पढ़ाया था आपको कि ये वर्ड किससे बना है, श्ले से, SLAY। श्ले मीन्स क्या होता है, मार देना। तो श्ले की आपको थर्ड फॉर्म चाहिए ना, वास के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म चाहिए, उसे मार दिया गया, पैसिव वॉइस है। तो श्ले की थर्ड फॉर्म क्या श्लीउड होती है, क्या कतई नहीं। श्ले की थर्ड फॉर्म याद है आपको, श्लेन ये हो जाती है, जैसे लाई का लेन वैसे श्ले का श्लेन हो जाएगा। ओके, तो यहां ये पोर्शन आपका गलत हो जाएगा। 16th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच, यानी जो प्रसिद्ध वक्ता था उसका जो स्पीच था, वॉज ब्रॉडकास्टेड, याद हो गया होगा आपको बच्चों। अब तुरंत ये सब इसमें समय ने लगाए कि ब्रॉडकास्टेड नहीं हो सकता है, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, वैसे ही ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, यानी आगे बढ़े ही ना ये पोर्शन आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, न कि ब्रॉडकास्टेड हो जाएगा। चलिए समय लगवाते हुए आगे बढ़ जाए क्योंकि आसान था। 17th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट, जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो यू जस्ट हैव टू ग्रिट योर टीथ एंड प्रेशर। तो यू जस्ट हैव टू ग्रिट योर टीथ, बोला था मैंने पीछे, ग्रिट योर टीथ, कठिन परिस्थिति में भी अपने रेजोल्यूशन अपने डिटर्मिनेशन को बनाए रखना, अपना संकल्प शक्ति बनाए रखना। जब चीजें डिफिकल्ट हो जाए, कठिनाई उत्पन्न करें, यू जस्ट हैव टू ग्रिट योर टीथ, तो आपको अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखना चाहिए एंड प्रिजर्व, और प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। नहीं, ये अगर ध्यान से आप देखें, यहां ये प्रिजर्व की बात नहीं कर रहे बच्चे, ये किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, समझ आ रहा है आपको, परजवर की बात कर रहे हैं। परजवर मीन्स क्या होता है, परजवर मीन्स होता है सतत प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना। तो फिर यहां पे आपका PERSEVER परजवर हो जाएगा, न कि प्रिजर्व होगा आपका। रहेगा व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट यू जस्ट हैव टू ग्रिट योर टीथ एंड परसेवर, और निरंतर क्या करना चाहिए आपको, प्रयास करना चाहिए। तो ये जो वर्ब यहां यूज किए गए हैं, प्रिजर्व के बजाय क्या होगी, परसेवर हो जाएगी। 18th क्वेश्चन पे आ गए हम। द वॉच इज अ वैल्यूएबल प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, यानी ये जो वॉच है ये कीमती उपहार है फ्रॉम माई अंकल, किसके द्वारा, किसके किससे मिला हमको, मेरे अंकल से। एंड और इट कॉस्टेड हिम मोर देन 2000 रुपीज, और इसकी कीमत कितनी देनी पड़ी उनको, 2000 से ज्यादा। इंग्लिश में जरूर आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस है बच्चे जो आपको हमेशा आगे ले जाते। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर आपने किया होगा या अभी पीछे की एक्सरसाइजेस आपने समझी होंगी, इस वर्ड को देखते ही आपको याद आ गया होगा, कौन सा वर्ड समझ में आया, ये वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट भी, कॉस्ट मीन्स कीमत होना, कॉस्ट 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 होता है, कॉस्टेड नहीं होता है, यानी यहां पे ये जो ईडी है ये क्या है आपका, गलत है आपका, कॉस्ट रहेगा वहां, ठीक है। 19th क्वेश्चन आ गया हमारे। आफ्टर माय सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर, यानी एक घंटे सर्च करने के बाद मेरा बेटा जो था ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, मैंने यहां जेड लिखा है, ब्रिटिश इंग्लिश में आपको एस लिखना चाहिए, ही रियलाइज्ड दैट, उसने एहसास किया कि हिज पेन हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल। अब तो आपको आना चाहिए, अब तो बच्चों आपको ये वर्ड आना चाहिए कि यहां लेइंग होगा कि नहीं, क्या उसकी पेन को आपने या उसने बिछाया था, लिटाया था, या वो पेन वहां पर स्थित थे, स्थित होने के सेंस में अब एकदम तय कर लें कि लेइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा, यानी ये वर्ड होगा आपका LYING, लाइंग। तो हो जाएगा आफ्टर माय सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर ही रियलाइज्ड दैट His pen had been lying on the table. ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिक्कतें होंगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वहां और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।
चलिए 20th क्वेश्चन हमारे सामने है. द सर्वेंट हैंग्ड द लैम ऑन द वॉल. आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, 5 सेकेंड के अंदर आपके आंसर्स आपको आ जाने चाहिए. इस तरीके क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे, यहां हैंग्ड दिया गया है. हैंग्ड का प्रयोग केवल तभी करिएगा जब फांसी पर लटकाने की बात हो. वो बेचारा फांसी पे तो नहीं लटका रहा है ना, वो वॉल पे लटका रहा है उस लैम्प को. और अगर वो वॉल पे उस लैम्प को लटका रहा है, मींस टांग रहा है, तो इस लटकाने या टांगने के सेंस में हैंग्ड नहीं. समझ गए होंगे क्या होगा, क्या होगा, हंग, एच यू एन जी आ जाएगा, हंग का प्रयोग करें. चलिए सीधे आगे बढ़ते, क्वेश्चन इजी है, बट ये चूंकि वर्ब की कॉन्सेप्ट पे सारे दिए गए तो मैंने इस पे सारे दे दिए हैं ताकि आपकी पूरा आपका रिवीजन हो जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके प्रिपरेशन हो जाए. चलिए 21st क्वेश्चन सामने आपके है. द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली. इंटेंटली याद है, बड़े ही आशय से, अभिप्राय से, लक्ष्य के साथ, इरादा पूर्वक, जानबूझकर. द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली, यानी वो बड़ी ध्यान से प्रयोजन के साथ देख रही थी. एज जब द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिशनर है, जब वो मॉडल अपने प्रैक्टिशनर हैंड, एडजेक्टिव है ना, प्रैक्टिशनर हैंड, यह नाउन हो गया, प्रैक्टिशनर हैंड से अपने मेकअप को क्या कर रही थी, अप्लाई कर रही थी, यही है ना. तो क्या गलत है, द गर्ल्स वॉच्ड सही है, intently adverb of manner के रूप में सही है. The girls watched intently as a जब the model applied, ये भी सही है. Her makeup, ये भी सही है. Her makeup with a practitioner hand. यहां आपको समझने की जरूरत है एक चीज, ये जो practitioner है ना, आप ये देखें, ये जो practice होता है ये आपका noun के रूप में होता है, और ये जिसे आप प्रैक्टाइज भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये वर्ब है. तो वर्ब को ही ना आप थर्ड फॉर्म बनाते हैं एडजेक्टिव के रूप में, तो यहां ये जो सी है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इस सी के स्थान पे एस होगा, यानी प्रैक्टिशनर यहां जो सी है एस लगाए तब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव का काम करेगी, क्योंकि आपको एडजेक्टिव भी चाहिए इस नाउन से. यानी ये स्पेलिंग गलत है प्रैक्टिस की, ये नाउन को आपने थर्ड फॉर्म बनाया है, जबकि आपको किसको बनाना होगा, वर्ब को बनाना होगा इसको, यानी ये स्पेलिंग होनी चाहिए आपकी, तब सही हो जाए. ठीक है, तैयार कर लीजिएगा. जिन बच्चों को कम समझ में आए वो वीडियो को पॉज करके आराम से देखें और समझने की कोशिश करें. चलिए 22nd क्वेश्चन आ गया हमारा. द वैल्यू ऑफ द डॉलर, इन डॉलर की जो कीमत है declined, क्या हो गई, गिर गई. यहां पे वर्ब के रूप में, सेकेंड फॉर्म के रूप में, द वैल्यू ऑफ द डॉलर declined as, क्योंकि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि जो मुद्रा स्फीति की दर है, raises, या raised यहां कह सकते हैं आप. लेकिन प्रश्न ये है कि क्या यहां पर आपको raises या raised की आवश्यकता है, क्या वो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो उठा रहा है या उठ रहा है. मैंने बताया था पहले या दूसरे पार्ट में आपको, जब आप उठाने की बात करिएगा तब आप किसका प्रयोग करिएगा, रेज, यानी बढ़ने या उठाने के, बढ़ाने या उठाने के सेंस में रेज होता है, लेकिन बढ़ने या उठने के सेंस में क्या होता है, याद है आपको, ये, यानी यहां जो वर्ड है रेजेस, ये गलत है आपका. यहां क्या होना चाहिए था, राइस का प्रयोग. तो द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंड एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रोज या राइजेस पूछा है, यानी रेज नहीं होगा. अगर आप पास्ट लेते हैं तो रोज और प्रेजेंट यूज करते हैं तो राइजेस पूछा है. ठीक है, ये कितना टिपिकल है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन एग्जाम में दी जाती, क्योंकि बच्चे इन पर फोकस नहीं करता और टीचर्स भी वर्क के फॉर्म्स के साथ बहुत मेहनत नहीं करते. तो मैंने ये सारा चूंकि टॉपिक उठाया, इसलिए इससे संबंधित जितने भी वर्ब्स एग्जाम में दी गई थी उस सब मैंने यहां देने की कोशिश की है. चलिए 23rd क्वेश्चन आ गया हमारे सामने. द साइन पोस्ट, साइन पोस्ट याद है, मार्ग सूचक स्तंभ जो होते हैं. द साइन पोस्ट एट द गेट, इन गेट पर जो साइन पोस्ट था, ऑफ द गार्डन, गार्डन के रीडर, उस पर लिखा हुआ, मतलब वो पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था क्या,
trespassers will be persecuted. अगर आपने मेरी वीडियो को यहां ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे क्या गलत है बच्चों. यहां लिखा है persecuted. क्या उन्हें सताया जाएगा या अनलॉफुली प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा. क्या किया जाएगा? मुकदमा चलाया जाएगा. या persecuted नहीं होगा, क्या हो जाएगा? समझ गए? प्रोसिक्यूटेड होगा. यानी यहां पर persecuted के बजाय प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाने वाला सेंस है, इसलिए यहां पे ये चीज. और ये हमारे सामने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वाला है. आई वॉज लेइंग डाउन. समझ गए होंगे आप? लेइंग डाउन. आई वॉज लेइंग डाउन, मैं बिछाया हुआ था या मैं सो रहा था. क्या कहेंगे? आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग. मैं सो रहा था ना. सोने के सेंस में, लेटने के सेंस में ये कैसे होगा? सोच के देखें आप. लेइंग नहीं होगा. समझ गए होंगे आप? लाइन डाउन. छोटी छोटी चीजें लेकिन काम के हैं, काम आएंगे आपके. और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 25th क्वेश्चन आ गया. दीज पॉइजनस गैसेस, ये जो जहरीली गैसेस हैं, विल इफेक्ट. तुरंत आना चाहिए ना. अभी आपने शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में किया था कि प्रभाव डालने के सेंस में इफेक्ट नहीं होता है बच्चों. प्रभाव डालने के सेंस में क्या होता है? वर्ब के रूप में हमें क्या लेना होता है? अफेक्ट. इफेक्ट तो नाउन के रूप में यूज करते हैं. तो दीज पॉइजनस गैसेस विल अफेक्ट आवर हेल्थ. हमारे हेल्थ को ये क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी, उस पर प्रभाव. और ये 25 क्वेश्चंस हैं. और ये मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शोविंग योर बिलीफ इन मी. एक्चुअली मैं चलिए बच्चों प्रोजेक्टर प्रॉब्लम हो गई थी. तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करें, प्रयास करें. ये वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे. क्योंकि मैं भी इधर कहीं कहीं खाली हूं घर पे, मैं चाह रहा हूं आपके मैं काम आ जाऊं जैसे भी, ताकि आगे जब एग्जाम आपके आए तो आप उन पर बेहतर कर सकें और ईश्वर करे आप सफल हो सके. तो इसके आगे अभी कॉमन एरर्स की शीट रहेगी और शायद लास्ट शीट होगी आपकी जो वर्ब कॉन्सेप्ट पे कॉमन एरर्स की शीट होगी. इसके बाद कुछ एक फिलर्स है, सेंटेंस फिलर्स, वो दे करके ये वर्ब का कॉन्सेप्ट मेरा कंप्लीट होगा और फिर एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा. ठीक है? थैंक यू.